So now in the previous lecture we all have seen the solved numericals. Right now, as you can see, this chapter has a variety of numericals. As you can see in example section question number 9, it has four numericals. So I try to give my best to solve, to give you the best solutions of it. Okay, so I hope you all will get it. We'll see all the probably all the fours, all the four numericals. First, let's see first numerical. Okay, equal heat is given to two objects. Okay, same heat दी गई थी किसको? दो objects को. Objects का नाम क्या है? A and B. कुछ भी हो सकता है. उनका mass क्या था? Of mass 1 gram. Okay, दोनों का mass कितना दिया हुआ है? 1 gram. Temperature of A increased by 3 degree Celsius and B by 5 degree Celsius. Okay, अब A object का temperature 3 degree Celsius से बढ़ाया गया. It has been increased by 3 degree Celsius and that of B object, it has been increased by 5 degree Celsius. Okay, कितना? 5 degree Celsius से बढ़ाया गया. किसका? B का. ये जो दोनों के दोनों value है, ये delta T है. Increase by, decrease by. Because हमको initial final temperature दिया नहीं गया है. ओके, अब इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी गया दिया गया है. मतलब ये डेल्टा टी वन रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी टू रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट? किस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है? कौन ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये निकालना है. एंड बाय व्हाट फैक्टर? किस फैक्टर से? मतलब कितना बड़ा है उसका, राइट, हीट कैपेसिटी. ओके, देखते क्या क्या दिया हुआ है. मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एम ए इज 1 ग्राम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एम बी इज 1 ग्राम. ओके, फॉर ए टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी ए इज 3 डिग्री सेल्सियस, फॉर बी टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा बी इज 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, स्पेसिफिक हीट्स हमको निकालनी है, सी ए एंड सी बी. ओके, निकालनी है हमको, पता नहीं. अब ये सारा दिया हुआ है, आप सबको समझ में आएगा. और क्या बोला है पहले लाइन में? इक्वल हीट इज गिवन टू द बोथ द ऑब्जेक्ट्स. दोनों को इक्वल हीट दी गई थी, इसीलिए क्यू वन एंड क्यू टू इज, हम क्यू वन एंड क्यू टू के लिखने के बजाय इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यू ए एंड क्यू बी. ओके, क्यू ए एंड क्यू बी क्या है? सेम है. इसीलिए एम ए सी ए इंटू डेल्टा टी ए इज इक्वल टू एम बी सी बी इंटू डेल्टा टी बी. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज सी ए पता नहीं है, डेल्टा टी ए 3 है, राइट, 3 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू एम बी 1 इंटू सी बी इंटू 5 डिग्री सेल्सियस. तो कितना होता है? 1, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करके तो विल गेट दैट थिंग. ओके, नाउ सी ए इंटू 3 इज इक्वल टू सी बी इंटू 5. ओके, तो हमको निकालना है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, बाय व्हाट फैक्टर. ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे. हम क्या करेंगे, पहले सी ए को सी बी की तरफ लेके जाएंगे और 3 को 5 की तरफ लेके जाएंगे. ठीक है, मतलब हमको क्या मिलेगा, सी बी मतलब हमको मिलेगा ये, यहाँ पे सी बी इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, इधर 3 मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड. सो विल गेट, सो व्हाट विल गेट, विल गेट सी ए बाय सी ए बाय सी बी इज इक्वल टू 5/3. 5/3 कितना होता है हम सबको पता है, अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2, राइट, 26, 1.6 समथिंग हमको मिलेगा, राइट. और अगर हम सी बी के इसमें निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5, और 5 को 0 का बैठता है, मतलब 1.6 बड़ा है, मतलब 5.3 इज मोर, दैट्स वाई सी ए इज मोर देन सी बी. और फैक्टर कितना है, 5.5/3. सो सी ए इज ग्रेटर देन सी बी बाय 5/3. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, इज रियली रियली सिंपल वन. ओके, सी ए एंड सी बी का दोनों का रेशो निकालना है. ठीक है, एक बार सी ए का निकालो, एक बार सी बी का निकालो उसके हिसाब से. ठीक है, ओके, बड़ा कौन सा निकला हमारा, ये हमारा एम पी है. ठीक है, ये हमारा छोटा है, राइट, दिस वन इज. ओके, नाउ विल सी द सेकंड वन. व्हाट इज द सेकंड वन? लिक्विड अमोनिया इज यूज
इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो लिक्विड अमोनिया यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, वाटर से आइस बनाने के लिए, ठीक है। बड़ी बड़ी आइस फैक्ट्री में आइस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया यूज़ किया जाता है। ओके, इफ़ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इंटू 2 kg ऑफ आइस, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे था पहले, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अब वाटर को किसमें कन्वर्ट किया गया, आइस में, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, ये अभी उल्टा प्रोसेस है, इवापोरेशन पूछ रहा है। उल्टा प्रोसेस मतलब जो हमारा सीधा होता है, वी ऑल नो राइट, हमको अभी वाटर से आइस बनाना है। पहले हम क्या करते थे, आप भी दोनों ग्राफ देखो, हम इधर से पहले लैटेंट हीट देते थे आइस को, फिर इसका वाटर बनता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इसको फिर से बड़ा करते थे, ये 100 पे जाता था, इधर इधर वेपराइजेशन होता था, राइट, इधर फिर लैटेंट हीट वेपराइजेशन होता था। अभी पूरा उल्टा है, अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया हीट दे रहा है, राइट, अमोनिया इज गिविंग हीट, ओह वेट अ सेकंड, अगर अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अमोनिया हीट गेन करेगा, क्या करेगा, गेन, इसकी वजह से वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेपराइज, ओके। अब हीट लॉस बाय वाटर, बिकॉज दिस इज उल्टा प्रोसेस, राइट, यहाँ से वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर से पहले आइस बनेगा, और आइस से क्या बनेगा, आइस फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का पूरा यहाँ पे वाटर रहेगा, और वाटर का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, आइस बनेगा, राइट। सो यहाँ पे दो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, राइट, और इसको बोलते हैं एम इंटू एल, राइट, और ये दोनों में ये ऑपरेशन किसका हो रहा है, यस, अमोनिया का, और उसका भी, फिर उसका भी इवापोरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम वाला, ठीक है। क्या फार्मूला यूज़ किया गया है यहाँ पे आप देख पाओगे, राइट, पूरा मतलब वो जो लैटेंट हीट का फॉर्मूला है वही यूज़ किया गया है, राइट। तो उसके लिए भी एम इंटू एल वेपराइजेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ए हीट गेन कर रहा है और हीट छोड़ कौन रहा है, सॉरी, हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे देंगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय अमोनिया, हीट लॉस बाय वाटर इज Q1, हीट गेन बाय अमोनिया इज Q2। अब देखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, कितना था वाटर, कितना डिग्री सेल्सियस पे था, 20 पे, उसका क्या करना है हमको, आइस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 0, मास कितना रहेगा वाटर एंड आइस का, 2 किलो से 2 ही किलो बनेगा, राइट, सो इट विल बी 2 kg ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर, ओके। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब ये जो अमोनिया का लैटेंट हीट हो गया कितना रहेगा, 341 kcal/kg, ठीक है। और लैटेंट हीट ऑफ आइस वी ऑल नो राइट, आई आस्क यू टू मेमोराइज दिस थिंग, राइट, सो इट विल बी 80 kcal/kg, ओके, सो 80 kcal/kg किसका लैटेंट हीट हो गया, आइस का, ठीक है। अब हीट लॉस बाय वाटर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एम इंटू डेल्टा सी, ये वाला लगा रहा हूँ मैं पहले, एम सी वन इंटू डेल्टा टी वन, ओके, प्लस फिर दूसरे बात ये लगा रहा हूँ, राइट, क्योंकि वाटर से वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 20 माइनस 0, ओके, नाउ फ्रॉम दियर लैटेंट हीट ए वाली, ओके, सो इट विल बी एम वन सी वन इंटू डेल्टा टी वन प्लस एम एल आइस, ओके, मास कितना है 2, सी कितना है 1, इंटू ए सी हमेशा 1 रहता है, ठीक है, वाटर का आइस का, राइट, इंटू 20 माइनस 0, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, 20 माइनस 0 प्लस 2 फिर से किसका आ गया, मास, राइट, 2 इंटू एल आइस 80, राइट, सो 2 × 1 2 इंटू 20 माइनस 0 20, 2 × 20 प्लस 2 × 80 160, ओके, सो इट विल बी 2 × 20 = 40 + 160, 40 + 160 = 200, हमको हीट लॉस बाय वाटर मिल गया,
200 किलो कैलोरी। अब ये हीट हमने किसको किसने गेन करी होगी, अमोनिया ने, राइट। अमोनिया ने ये हीट को गेन किया होगा, राइट। सो हीट गेन बाय अमोनिया इज इक्वल टू एम टू इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पूरी लैटेंट हीट वेपराइज हो गया वो अमोनिया, ठीक है। तो मतलब हमको क्या मिला, बट क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय अमोनिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, हीट लॉस बाय वाटर जो था वो अमोनिया को दिया, इसलिए इट इज 200 इज इक्वल टू एम टू इंटू 341। 341 क्या था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, ओके। दैट्स वाई दैट 341 इज देयर, ओके। एम टू यहाँ पे जैसा का वैसा मैंने इधर लेके आया लेफ्ट साइड में, और 341 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाने के बाद क्या होगा, इट विल बी इन डिवाइड, इट विल बी इन डिनोमिनेटर, ओके। सो इफ यू डिवाइड 200 बाय 341 विल गेट 0.5864 केजी। ये मल्टीप्लिक ये डिवाइडेशन आपको खुद से इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमको किस में मिला है, मास केजी में, बट वी वॉन्ट इट इन ग्राम्स बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन इन आंसर इन ग्राम्स, राइट। यू कैन एक्चुअली राइट इट इन केजी ऑल्सो, ओके। बट यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स, ओके। दैट्स वाई यू हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग इन टू ग्राम्स, ओके। सो वी ऑल नो इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन ग्राम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट्स वाई बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। दैट्स वाई एम टू इज इक्वल टू 0.5864 इंटू 1000, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई 5864.5 by 1000 विल गेट 586.4 ग्राम, ओके। सो दिस मच अमोनिया विल बी इवॉपरेटेड टू कन्वर्ट आइस फ्रॉम वाटर, ओके। आई विल सी द थर्ड न्यूमेरिकल। अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस एज एट टेम्परेचर 0 degree Celsius। एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, ओके, जैसा मैंने आपको थर्मास बोला था, राइट, यस्टरडे, उसके अंदर कितने ग्राम ऑफ आइस दिया हुआ है, 150 ग्राम ऑफ आइस, टेम्परेचर कितना रहेगा आइस का, 0 degree Celsius। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 degree Celsius has to mix to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained। मतलब ये अपनी अभी दोनों प्रोसेस हो गई, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, हमारे पास स्टीम भी है और आइस भी, हमको मिडल में आना है, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस अभी पूरा इस तरह से हो गया, हमने देखा होगा, राइट। अब तक मैं बार बार एक ग्राफ निकाल रहा हूँ, राइट। आइस है यहाँ पे, राइट, आइस को क्या हो रहा है, हीट कर रहा है, मतलब आइस हीट गेन करेगा, जीरो से जीरो में वाटर बन गया, वाटर से इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, है ना। लेकिन इसको हीट कौन दे रहा है, इसको हम बर्न थोड़ी कर रहे हैं, जैसा हमने वो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे आइस था, इसको बर्नर लगा के हीट दे रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी कोई इसको हीट दे रहा है क्या, नहीं, इसको हीट कौन दे रहा है, स्टीम, इसको स्टीम डाल दिया, आइस पे क्या डाल दिया हमने, स्टीम। फिर आइस क्या होगा, आइस कन्वर्ट होगा, आइस किस में कन्वर्ट होगा, आइस पहले सॉरी स्टीम किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, ओके। और फिर से स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ तक वाटर में आएगा, मतलब ये दो प्रोसेस होगी, 1, 2, 3, 4, राइट। ये वाली प्रोसेस हीट लॉस करेगी 3 और 4, और ये वाली प्रोसेस 1 और 2 हीट गेन करेगी, ओके, समझ गए। आइस को हीट देगा कौन, स्टीम, स्टीम से आइस हीट होगा, मतलब गेन करेगा, और स्टीम हीट को लॉस करेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि कितनी स्टीम लगेगी 50 डिग्री सेल्सियस तक का वाटर बनाने के लिए, ओके, आइस से। और ये दोनों चीज़ें दी हुई है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एवरीथिंग, राइट। विल सी फर्स्ट वन, ओके। मास ऑफ आइस इज 150 ग्राम, ओके। डेल्टा टी वन मतलब यहाँ से हम अभी
आइस से वाटर बना रहा है, डेल्टा टी वन मतलब हीट गेन हो रही है, 50 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर का भी दिया हुआ है। लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, लैटेंट हीट ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, डेल्टा टी टू मतलब स्टीम से वाटर बन रहा है, डेल्टा टी वन मतलब आइस टू वाटर डेल्टा टी, राइट। और ये डेल्टा टी टू किसके लिए है, स्टीम टू वाटर, राइट। दैट्स वाई 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, और हमको मास ऑफ स्टीम निकालना है। ओके, दैट इज रियली इजी। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, हियर द इक्वेशन विल बी हीट एब्जॉर्ब बाय आइस प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, मतलब ये जो इक्वेशन वन है इट इज हीट एब्जॉर्ब बाय आइस Q1, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर Q2, ओके, हीट लॉस बाय स्टीम एंड हीट लॉस बाय वाटर अगेन, ओके, मतलब Q3 एंड Q4, ओके, हीट लॉस बाय स्टीम एंड हीट लॉस बाय वाटर अगेन। हीट लॉस बाय वाटर मतलब, क्योंकि आप देखो ये वाले प्रोसेस में भी वाटर बनता है और फिर ऊपर जाता है, ये वाले प्रोसेस में भी वाटर बनता है, इधर से नीचे आओगे तो भी वाटर रहेगा, इधर से ऊपर जाओगे तो भी वाटर रहेगा। तो ये वाटर जो है हीट लॉस भी कर रहा है, हीट गेन भी कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई हीट पहले इक्वेशन में हीट एब्जॉर्ब क्योंकि वो आइस से बन रहा है, और दूसरे इक्वेशन में हीट लॉस बिकॉज इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टीम टू वाटर। दैट इज़ वाई इन फर्स्ट इक्वेशन इट इज़ हीट गेन बाय वाटर एंड इन सेकंड इट इज़ हीट लॉस बाय वाटर, बिकॉज पहले में आइस है दूसरे में स्टीम है, आइस हीट गेन कर रहा है, स्टीम हीट लूज कर रहा है। ओके, सिंपल। सो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस को हम Q1 बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इट विल बी Q2, हीट लॉस बाय स्टीम इट विल बी Q3 एंड हीट लॉस बाय वाटर अगेन इट विल बी Q4। सो नाउ आई एम अप्रोचिंग अ शॉर्टकट मेथड टू डू इट। ओके, राइट नाउ डिनोट इट एंड लाइट डन स्टार्ट फ्रॉम इस Q1 मतलब किसको नाम दिया है हमने, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। ओके, इट विल बी Q1, सो इट विल बी Q1 इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, मतलब पहला प्रोसेस मतलब ये वाला। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, MI मतलब ये सफिक्स में, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये ऐसा रहेगा MI into LI, ठीक है, सफिक्स में, सफिक्स समझता है, सफिक्स प्रीफिक्स लाइक दैट। देन व्हाट इज द मास ऑफ आइस इज 150 ग्राम, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इट इज 150 इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 80, 150 इंटू 80 इट विल बी 120000, इट मीन्स 12,000 कैलोरी। हमको Q1 क्या मिला, मतलब आइस से कितना हीट एब्जॉर्ब करा है, पहला इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू 120,000 कैलोरी। ओके, सॉरी 12,000, ओके, या 12,000 कैलोरी। देन सेकंड इक्वेशन इज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, मतलब ये सेकंड लाइन आ जाएगी, अभी हमने पहली लाइन देखी, अब सेकंड लाइन यहाँ तक 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो डेल्टा टी वन क्या था हमारा 50, तो इक्वेशन बन जाएगा 150 मास ऑफ आइस इंटू सी ऑफ वाटर मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 इंटू डेल्टा टी वन क्या रहता है 50, इफ़ यू मल्टीप्लाई 150 बाय 1 यू विल गेट 150 इंटू 50 कितना होता है, इंटू 50 कितना होता है, इंटू 50 7500, ओके, कैलोरी। देन Q3 पहला हीट गेन था, ओके, अब है हीट लॉस बाय स्टीम, ओके, जो पहला और Q1 एंड Q2 था मैंने मिस्टेक से भी बोल भी दिया होगा, तो इट इज़ हीट गेन, और हीट लॉस बाय वाटर अभी हीट लॉस बाय स्टीम, थर्ड इक्वेशन Q3 मास ऑफ स्टीम इंटू
लेटेंट हीट ऑफ वाटर, सो मास ऑफ स्टीम हमको पता नहीं है, वही तो हमको निकालना है राइट, जो कि हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास Q3 भी नहीं है और मास ऑफ स्टीम भी नहीं है। दैट इज वाई इट विल बिकम मास ऑफ स्टीम इंटू 540, मास ऑफ स्टीम इंटू 540 हमको पता नहीं, इसलिए हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर फोर, मास ऑफ स्टीम मतलब ये हीट लॉस कर रहा अभी कौन, वाटर। अब हमारा ये लाइन हो गया राइट, अब ये लाइन देख रहे हैं है ना, ये वाला यहाँ तक के, तो ये क्या होगा, मास ऑफ स्टीम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके वो स्टीम वाटर सेम ही रहता है, दैट इज वाई मास ऑफ स्टीम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, जो डेल्टा टी कितना था अपना 50, मास ऑफ स्टीम पता है क्या, नहीं, सी पता है क्या, यस 1, डेल्टा टी कितना था 50, दैट इज वाई Q4 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इंटू 50। ओके हमको पता नहीं है लेकिन हमको इक्वेशन पता है, अब हम इनको लीनियर बना देंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, ओके दैट इज वाई 12,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन एंड टू, सो इट विल बिकम, सो इट विल बिकम मास ऑफ स्टीम, इट विल बिकम मास ऑफ स्टीम इंटू 540 प्लस मास ऑफ स्टीम इंटू 50, ओके इन दोनों में मास ऑफ स्टीम कॉमन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन इट आउट, ओके कॉमन, सो 120,100 प्लस 7,500 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 195,000 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम कॉमन निकाला 540 प्लस 50 कितना होता है 590, ओके यहाँ पे ये 590 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, दैट इज वाई MS इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाय 590, तो हमको कितना मिलेगा, मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 33.05 ग्राम, अगर हम 195,100 को 590 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 33.05। आई होप यू गॉट दिस इक्वेशन एंड यू नो द डिवाइडेशन ऑल्सो, ओके नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल एंड देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशन नंबर 4, ओके एज दिस इक्वेशन इज बिग दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद अ शॉर्टकट, यू कैन एक्चुअली राइट डाउन ऑल द गिवन पार्ट्स, ओके आई एम अप्रोचिंग विद द शॉर्टकट मेथड फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट एंड इट इज अ बिग वन, ओके नाउ अ कैलोरीमीटर हैज मास ऑफ 100 ग्राम। अब ये हमारा वो वाले इस पे है राइट, क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हमने देखा था राइट, ये कैलोरीमीटर वाला एग्जांपल है, मतलब अपने पास आप देखोगे हीट में दो ही प्रकार के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, या तो आइस या वाटर कॉम्बिनेशन पे या स्टीम कॉम्बिनेशन पे, या फिर आपको आएगा कैलोरीमीटर कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, फर्स्ट अभी इक्वेशन पढ़ते फटाक से, अ कैलोरीमीटर हैज़ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, मास दिया हुआ है कैलोरीमीटर का और स्पेसिफिक हीट दी गई है। ठीक है, इट कंसे उसमें क्या है, एक लिक्विड है उसका उसका कितना मास है 250 ग्राम, ओके देखो ग्राम का यूनिट हमेशा जी होता है, एम नहीं लगाने का, ठीक है 250 ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब ये दोनों का टेम्परेचर है, किस किस का, कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड, ओके बिकॉज लिक्विड इज इनसाइड द कैलोरीमीटर, दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ बोथ द कैलोरीमीटर एंड लिक्विड इज सेम, हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है किसका, लिक्विड का, कितना है 0.4, ओके इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, अब देखो कैलोरीमीटर में इसने क्या डाला है, ये कैलोरीमीटर है, पहले हम हॉट ऑब्जेक्ट डालते थे, ठीक है हॉट ऑब्जेक्ट, अब इसमें डाला इसने आइस, आइस का टेम्परेचर जीरो होता है, मतलब अब कैलोरीमीटर आइस को हीट देगा, मतलब अभी आइस पिघलेगा, आइस मेल्ट होगा, मतलब आइस विल गेन द हीट एंड कैलोरीमीटर एंड लिक्विड विल लूज द हीट। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको पता है आइस कैसे बनता है, ये वाले में आइस का वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर फिर थोड़ा सा हीट होगा, है ना, और अब क्या हो रहा है, कैलोरीमीटर और लिक्विड में हमने आइस डाला है, इसीलिए अब आइस हीट गेन करेगा, किससे गेन करेगा, कैलोरीमीटर से, बिकॉज उसका टेम्परेचर 30 है। ठीक है, अब आइस का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और मास 10 ग्राम,
सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब ये हीट ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कैलोरीमीटर आइस और लिक्विड का टेम्परेचर सेम नहीं आता। सेम टेम्परेचर मतलब क्या, टी, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, राइट। सो हम उसको क्या मान के चलेंगे, टी, हम उस टेम्परेचर को क्या मान के चलेंगे, टी। गिवन मैंने इस न्यूमेरिकल में लिखे नहीं है बिकॉज ऑफ टाइम्स कंस्ट्रेंट, इट इज़ होमवर्क फॉर यू गाइज टू राइट ऑल द गिवन ऑफ दिस, राइट। दिस इज अवर सेवंथ न्यूमेरिकल एंड आई होप यू गाइज आर एबल टू राइट डाउन द गिवन राइट नाउ, ओके। सो प्लीज रेफर प्रीवियस एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू राइट डाउन द गिवन ऑफ दिस न्यूमेरिकल, ओके। ओके, सो हीट, जैसा मैंने मेंशन किया था, एज आई मेंशन अर्लियर, हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस बाय लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस प्लस हीट गेन बाय वाटर, ओके। हीट लॉस कौन करेगा, कैलोरीमीटर और लिक्विड, हीट गेन कौन करेगा, आइस प्लस वाटर, ओके। सो हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर Q1, लिक्विड Q2, हीट गेन बाय आइस Q3, वाटर Q4, ओके। अब Q1 निकालेंगे, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू 30 माइनस टी, बिकॉज 30 माइनस टी क्यों हो रहा है, क्योंकि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना था, 30, और कब तक डिक्रीज होगा वो, टी तक, है ना, क्योंकि हीट लॉस कर रहा है, दैट इज वाई देर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। सो मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 100 सीसी, सीसी मतलब स्पेसिफिक हीट 0.1 इंटू 30 माइनस टी, 100 इंटू 0.1 हो जाता है हमारा 10 इंटू 30 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू 30 माइनस टी, मास ऑफ लिक्विड इज 250 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट 0.4 इंटू 30 माइनस टी, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई 250 इंटू 0.4 वी विल गेट 100 इंटू 30 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2। वाई आई एम टेकिंग द इक्वेशन, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज वाई, एंड आई हैव टू फाइंड इट, ओके। अब क्या हो गया, ये कैलोरीमीटर ने और लिक्विड ने हीट दिया जिसको, आइस को, आइस क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होगा तो आइस का क्या बनेगा, वाटर, राइट। और वाटर बनता, और आइस से वाटर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। वहाँ पे हीट गेन करता है कौन, आइस, टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, दैट इज वाई इन इक्वेशन नंबर 3 आई हैवंट गिवन द टेम्परेचर, दैट इज वाई, मास ऑफ आइस इंटू एल ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ आइस, 10 इंटू 80 इज 800, इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 इज, इक्वेशन नंबर 4 इज हीट गेन बाय वाटर, ओके, मास ऑफ आइस, ओके, वाटर के लिए आइस, क्योंकि वाटर भी सेम रहेगा, राइट ना, एम आई इंटू सी डब्ल्यू इंटू टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो क्यू, क्योंकि हमको टेम्परेचर पता नहीं है कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, किसका, वाटर का, ओके, वाटर का मतलब वही आइस का जो वाटर बना था उसका, है ना, उसका टेम्परेचर निकालने के लिए हमको टी माइनस जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ आइस इज 10, सी डब्ल्यू इज 1 ऑलवेज, इंटू टी माइनस जीरो, 10 इंटू 1 10, टी माइनस जीरो इज टी रहेगा, ओके, सो 10 इंटू टी इज 10 टी। अब हमको चारों इक्वेशन मिल गए, हमारा आखिर स्टेप क्या है, यस, चारों को इक्वल कर देने का, राइट। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, ऐसा क्यों किया, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ टी, ओके। नाउ Q1, Q1 क्या था हमारा, 10 इंटू 30 माइनस टी, प्लस Q2 क्या था, 100 इंटू 30 माइनस टी, Q3 कितना निकाला था हमने, 800, प्लस Q4 कितना था, 10 टी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इंटू 30 300 माइनस 10 इंटू टी 10 टी, प्लस 100 इंटू 30 130 माइनस 100 इंटू टी 100 टी इज इक्वल टू 800 प्लस 10 टी, 300 माइनस 10 इंटू टी 10 टी, प्लस 100 इंटू 30 3000 माइनस 100 टी इज इक्वल टू 800 प्लस 10 टी। अब क्या है हमारे पास, देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो सारा नंबर्स नंबर एक साइड में लेके जाएंगे, तो 300 प्लस 3000 माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 10 टी प्लस 100 प्लस 10 टी, ओके, ये हो जाएगा 3300 माइनस 800 इज इक्वल टू 120 टी, ओके, 3300 माइनस 800 हो जाता 2500 इज इक्वल टू 120 टी, ओके। ये टी एक साइड में लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे तो 120, ओके ओके, 2500 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसिल, 250 डिवाइड बाय 12 इज 20.83 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर।
हियर दिस चैप्टर एंड्स, दिस वॉज द लास्ट न्यूमेरिकल. आई होप यू ऑल हैव गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके, थैंक यू गाइज़.